मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आ चुका है। देखिए दिल्ली पुलिस की दो गाड़ियां यहां पर लगी हुई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल समाधि स्थल पर पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। गाड़ियों का ये काफिला जो बहुत दूर से आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर पुलिस ने जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा की तस्वीरों को देखकर अंजना हम अंदाजा लगा रहे हैं कि मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री के लिए आज का दिन बेहद बड़ा, बेहद खास, और इसी वजह से अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं। पहले ही सांसदों से इस बात का जिक्र कर दिया गया था कि 7 बजे के पहले पहले वो अपना स्थान ले लेंगे अटल समाधि स्थल जाकर, और इसी वजह से सुबह से हमने देखा सांसदों का तांता लगा हुआ था। 303 एक बहुत बड़ी तादाद है, बहुत सारे नए चेहरे, युवा चेहरे, महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर पिछले लोकसभा के कुछ अभ्यासों से तुलना हम करें तो इस बार महिलाओं की भी जो मौजूदगी होगी वो बढ़ चढ़ कर होगी, और सबसे ज्यादा महिला सांसद बीजेपी की ओर से चुनी गई है। तो पूरी टीम मोदी अंदर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, जैसा कि तस्वीरों में हमने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंच चुके हैं और अब अटल जी को वो अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वही अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने उनके ऊपर भरोसा करते हुए 2001 में उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाकर गुजरात भेजा था, उसके बाद 2002 के चुनाव में विजयी हुए, 2007, 2012 और उसके बाद देश में 2014 में प्रचंड लहर नरेंद्र मोदी की चली, जिसके बाद उन्होंने शानदार तरीके से केंद्र में अपनी सत्ता बनाई 2019 में, उससे भी बड़ी स्थिति। यही वो चेहरा, यही नरेंद्र मोदी, यही भारतीय जनता पार्टी के आज शीर्ष के और देश में सबसे लोकप्रिय नेता, जिनकी तस्वीर हमारे दर्शक देख रहे हैं। और जाहिर तौर पर आज का दिन उनके लिए बहुत बड़ा है और इसी वजह से अपनी पूरी टीम के साथ एक तरफ जहां अटल बिहारी वाजपेयी के चरणों में वो शीश झुकाएंगे, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ देश को और खासतौर से विपक्ष को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश होगी और देश के सामने इस बात का भरोसा पैदा करने की कोशिश की, देखिए आपने जो उम्मीद हमसे जगाई है, आपने जो भरोसा हमारे ऊपर पैदा किया है अपने जेहन में, उसको हम पूरा करेंगे अपनी इसी टीम मोदी के साथ। और चित्रा लौटेंगे आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव अटल यानी अटल समाधि स्थल पर पहुंच गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष उनके साथ हैं, तमाम सांसद उठ खड़े हुए हैं। ये वो लम्हा है जब एक ऐतिहासिक जीत के बाद ऐतिहासिक लम्हे में पुष्पांजलि देकर श्रद्धांजलि देंगे नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी को, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3 बार 13 दिन 13 महीने और फिर पूर्ण कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने। 2014 में भी नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज अगर अटल जी भी होते तो सोने पर सुहागा होता, नम आंखों से उन्होंने सेंट्रल हॉल देश की संसद में ये बात कही थी। और लगातार उसके बाद भी जब उनकी मृत्यु हुई तब प्रधानमंत्री ने लिखा था, ट्वीट करके कहा था कि मैं निःशब्द हूं, शून्य में हूं, इस वक्त भावनाओं का एक गुबार है मेरे अंदर। और अब आप देख रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देते हुए, अमित शाह इस वक्त श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ऐसे ही तमाम सांसद जो वहां पर मौजूद हैं, 303 सांसद बताया जा रहा है कि आज अटल सदैव अटल स्थल पर मौजूद हैं। इन सब के जरिए अपने दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी, उनके मूल्यों को ये एक पार्टी का आज नमन है और इसीलिए तमाम नेता एक एक करके श्रद्धांजलि देकर आगे बढ़ रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के कद का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब वो प्रधानमंत्री नहीं भी रहे, हालांकि सांसद तब भी थे, उन्होंने खुद ही, बहुत कम ऐसे नेता हैं जिन्होंने खुद ही राजनीति से विदाई का फैसला ले लिया हो। 2007 में इंडिया टुडे के एक सर्वे में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी थी, तब भी 2007 के सर्वे में सबसे लोकप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी को माना गया था। ये है इस देश में उनकी लोकप्रियता, उनके परिवारजन। इस वक्त नमिता वाजपेयी मिलती हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, एक ऐसा भावुक लम्हा जिसमें एक परिवार प्रधानमंत्री के सामने मौजूद, और उसी के साथ इस जबरदस्त जीत के साथ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देकर पहले बापू को नमन किया और उसके बाद सीधे अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर वो गए। एक संदेश देने की कोशिश है, जो आरोप हमेशा पार्टी पर लगाया गया कि वो अपने बुजुर्गों को, अपने ऐसे नेताओं को जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया है, उनको किनारा कर रही है, उस पर एक जवाब देते हुए बापू पर उनकी ही पार्टी के कुछ सांसदों के बयानों को दरकिनार करते हुए, उस पर ये कहते हुए कि मैं ऐसे सांसदों को माफ नहीं करूंगा
प्रधानमंत्री ने आज एक बड़ा संदेश दिया है, पहले बापू को नमन किया है और फिर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने नेताओं के साथ वहां पर पहुंच गए हैं। अब सभी को प्रधानमंत्री इशारा कर रहे हैं, जिसमें आपने देखा जेपी नड्डा है, सुरेश प्रभु है, रामलाल, सभी को कि वो जाएं और अपनी तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी को आज नमन करें। आप उनकी बेटी नमिता वाजपेयी को इस वक्त देख रहे हैं, वो श्रद्धांजलि दे रही हैं और उसके बाद नेताओं का एक पूरा कतार। ये दिन कितना ऐतिहासिक है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जब 303 सांसद जेपी नड्डा एक एक करके बस कतार देखते चले जाइए, आपको अगली कतार में रविशंकर प्रसाद से लेकर तमाम ऐसे नेता देख रहे हैं जिनमें से कई चेहरे आज मंत्रिमंडल में भी शामिल हो सकते हैं। रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, सुरेश प्रभु, धर्मेंद्र प्रधान, नेताओं की एक लंबी लिस्ट है जो एक एक करके इस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि के सामने नमन कर रहे हैं। इसमें से कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने वाजपेयी के साथ काम किया है, उनकी सरकार में रहे हैं। कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने उन्हें दूर से देखा है, प्रेरणा ली है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे दिल से कोई खड़ा नहीं होता। ये उनके स्वर, ये उनका जो तेज और प्रताप रहा जिससे एक पूरी पार्टी आगे बढ़ती चली गई, जिसने ये हिम्मत दिखाई कि वो लगातार कांग्रेस को ललकारती रही और आज एक ऐसी परिस्थिति आ गई कि वो देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देते हुए, अमित शाह उनके साथ मौजूद है, चित्रा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। एक एक करके पहले प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी और उसके बाद चित्रा एक एक करके तमाम सांसद दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल इसी तरह का कार्यक्रम पहले से तय किया गया था, एक एक करके नेता वहां पर श्रद्धांजलि देते हुए इन तस्वीरों में नजर आएंगे। और आज का दिन नरेंद्र मोदी के लिए, उनकी पूरी सरकार के लिए, आज जो मंत्रिमंडल गठित होगा शाम को, जो सांसद मंत्री बनेंगे उनके लिए, इन सब के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक चीज और मैं बता दूं, अभी बिल्कुल सुबह सुबह का वक्त है अंजना, लेकिन प्रचंड गर्मी राजधानी दिल्ली में पड़ रही है, काफी तेज धूप है, लेकिन उसके बावजूद देखिए आज का दिन बीजेपी के लिए और इस देश के लिए भी, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जब प्रचंड बहुमत के साथ, एक बड़े जनादेश के साथ कोई सरकार सत्ता में आती है तो उसका एक चाहे निर्णय लेने की बात हो चाहे बाकी सारी डिसीजन मेकिंग में वो ज्यादा कामयाब नजर आती है। और नरेंद्र मोदी भी इस बात का जिक्र हमने देखा था रैलियों के जरिए, किस तरह से बार बार वो करते थे कि मजबूर नहीं, आपको मजबूत सरकार चाहिए, और उसी मजबूत सरकार की छवि दिखाने की कोशिश इन तस्वीरों के जरिए। लेकिन विनम्र श्रद्धांजलि अपने उस सबसे बड़े नेता को, अटल बिहारी वाजपेयी को, जिन्होंने जनसंघ के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। आपको यह भी बताते चले कि 10 बार लोकसभा के लिए और 2 बार राज्यसभा के लिए, यानी कि तकरीबन 6 दशक तक उन्होंने भारतीय राजनीति में सक्रिय तौर पर अपनी भूमिका निभाई। कभी पीछे मुड़कर अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं देखा। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, जिसके जरिए एक बहुत बड़ा सपना, इतने बड़े देश में बीजेपी के प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बने, ये बहुत बड़ा सपना अटल आडवाणी की जोड़ी ने देखा था। अटल आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, इन तीनों के नारे एक दौर में लगा करते थे, लेकिन अटल जी अब है नहीं। लेकिन अपने सबसे बड़े नेता को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पूरी इस टीम के साथ और अपने सांसदों के भीतर भी इस भावना को भरने की कोशिश की। देखिए आप जिस पार्टी को लेकर आगे जाने वाले हैं या फिर जिस पार्टी को लेकर लोगों की उम्मीदों के साथ आप आगे चलने वाले हैं, उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपकी विचारधारा क्या है, अटल जी की कोशिशें किस तरह की रही है इस पार्टी को इतना बड़ा बनाने की। और इसी वजह से ये पूरी की पूरी टीम मोदी इस वक्त अपने सबसे बड़े नेता को